बैक टू आर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई कृष्णा कार वाले भैया की जो है वीडियो नहीं आ रही बड़े टाइम से, तो लेके आओ। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग नेपाल वाले रोड ट्रिप में थे, तो फाइनली नेपाल वाली रोड ट्रिप जो है वो ओवर हो चुकी है और आप लोगों के लिए हम लोग एक नई वीडियो आज लेके आए। तो आज जो गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये है 2021 की Hyundai Creta EX मॉडल है। EX वेरिएंट है, मतलब ये बेस वेरिएंट है, बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है, बेस से एक ऊपर, जिसके अंदर मतलब की टच स्क्रीन आ जाता है, ठीक है, और स्टॉक स्पीकर्स आते हैं हमारे पास, स्टॉक स्पीकर आते हैं। लेकिन इस गाड़ी में हमने फिर भी सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए कंपोनेंट्स, डैम्पिंग वगैरह काफी चीजें लगाई हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मीनवाइल अगर आप लोग गाड़ी की तरफ देखते हैं तो अब क्रेटा के बहुत सारे वेरिएंट्स में आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। हम लोगों ने जो आप लोगों को पुराना भी दिखाया कि क्या क्या चीजों का अपग्रेड आप लोग जो है करा सकते हो। सबसे पहले मेन फोकस है कि जो हम न्यू क्रेटा का हम ज्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेनली ओल्ड क्रेटा का तो हमने काफी इंटीरियर की वीडियो, सीट कवर की वीडियो काफी दिखाया है, लेकिन न्यू क्रेटा में अभी हमने उतना कंटेंट दिखाया नहीं है, इसलिए हम न्यू क्रेटा में कंटेंट दिखाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फ्रंट प्रोफाइलिंग से अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों को जो है टर्बो ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है कि इसकी जो ग्रिल आती है हमारे पास वो भी मिल जाता है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने लगाया नहीं, लेकिन इसके अंदर क्रोम का आइटम सारा अवेलेबल आ गया अपने पास, ठीक है। जो हमने जो लास्ट क्रेटा दिखाई थी उसके अंदर हमने लगा के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर लाइटिंग भी ऑन कर दिया, तो अगर आप लोग देखना चाहे तो इसमें हमने HID इंस्टॉल करी है, नहीं भैया इसके अंदर हमने लगाई है LED 90 वॉट की ब्लैक कैट कंपनी की, ठीक है। उसका लगाने का रीजन ये था कि सर को बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। HID में क्या होता है कि इक्का दुक्का बार कभी कभार आपके पास प्लास्टर में दिक्कत आ सकती है, लेकिन LED का ऑप्शन सेफेस्ट होता है, ठीक है। और फॉग लाइट में कुछ अपग्रेड नहीं किया जी हमने, स्टॉक इनकी जो Hyundai की प्रॉपर आती है हमने वो लगाई है, हमारे पास Hyundai का ओरिजिनल फॉग लाइट अवेलेबल है वो, ठीक है। तो इसमें नीचे कुछ नहीं आता वैसे, वैसे इसके अंदर एक DRL का ऑप्शन आता है छोटा वाला, वो हटके फिर ये प्रॉपर हमारा फॉग लाइट लग जाता है। तो ये आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं, एक बार इंडिकेटर ऑन करके आइए भैया, इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन होता है, इसमें इंडिकेटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, भैया एक बार इंडिकेटर ऑन कर देंगे, ठीक है। देयर यू गो। तो आप लोगों के जो फॉग लैंप्स है उसके अंदर आप लोगों को फॉग लैंप का भी काम हो जाएगा, और साथ ही साथ में आप लोगों का इंडिकेटर्स का भी जो पूरा चीज़ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी जो है वो हमारे पास गुजरात से आई हुई है, तो गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है बाकी के काम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंदर की तरफ में आप लोगों को लेकर चलते हैं, और अंदर की तरफ में हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग पूछते भी है और कई सारे लोग जानना चाहते हैं, तो गाड़ी के सीट कवर्स के बारे में काफ़ी लोगों का जो है वो जानना रहता है कि भाई क्या क्या सीट कवर्स में हम अपग्रेड है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भाई सीट कवर में। सीट कवर में भैया अपने पास 4 से 5 वैरायटीज है कपड़े में, ठीक है, मतलब जो लेदर आइटम बोलते हैं उसको, ओके, और सारे ही इंपोर्टेड होते हैं मेरे पास, सबकी लाइफ टाइम गारंटी देता हूं मैं। बेसिक मेरे पास रेंज वैसा हमने पहले भी दिखाया हुआ है, छोटी से मीडियम गाड़ी जैसे वैगन आर, स्विफ्ट, क्रेटा, सेल्टोस, इनके 5,000-4,500 से मेरे पास रेंज चालू हो जाती है। ये जो हमने सीट कवर लगाया है कौन सा, ये हमने लगाया है, इनको थोड़ा सर को प्रीमियम रेंज चाहिए थी, ठीक है, जिसके अंदर हमें हीट का इशू ना आए, फिटिंग अच्छी आए, रिंकल्स ना मिले, ठीक है, तो उसके लिए हमने रॉयल टच लगाया है इसके रॉयल टच। तो एक बार सीट को सेट कर दो एक बार अच्छे से, जैसे इसको पीछे करके जैसे हम सेट करते हैं, अच्छे से सेट करके दिखाओ लोगों को, ठीक है। सो देयर यू गो। सो दिस इज हाउ द सीट कवर लुक्स लाइक, ये आप लोगों का एक ओवरलुक आप लोगों को, इसमें कोई भी कहीं भी कोई रिंकल नहीं है, और इसकी कुशनिंग भी आप देख सकते हो, कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। अगर हमारी लॉन्ग ड्राइव भी है, सपोज हमें 6 से 7 घंटे गाड़ी चलानी है, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमर में पेन नहीं आएगा, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल वाला सीट कवर लगा। अच्छा, एक चीज और, आजकल क्रूज कंट्रोल भी काफी है, मतलब आप चाहो तो अपनी क्रेटा में बिल्कुल हो सकता है, क्रूज कंट्रोल भी है, अगर जिस गाड़ी में स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं भी, इसमें तो स्टॉक लगा हुआ आया था, ठीक है, स्टीरियो भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शन दिया था सर को, लेकिन सर की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, हमें बेसिकली साउंड में थोड़ा इनको साउंड का काम कराना था, लेकिन स्टॉक वगैरह का सिस्टम वगैरह चेंज नहीं कराना था इनको, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोग जो है स्कर्व प्लेट लाइट देख सकते हो, ये आप लोगों को ब्लैक कलर में, व्हाइट और ब्लू कलर के ऑप्शन में मिल जाती है। तो इसमें हम लोगों ने 70 मैट्स भी डाले, 70 मैट इनका डाला हुआ था। अच्छा, 70 मैट्स हमने इसके नीचे, लेकिन फ्लोरिंग की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे फ्लोरिंग जो है वो आप लोग देख पाएंगे, ओके, करेक्ट। जो इसका भाई हमने पहले भी जैसे वीडियो में बताया हुआ, कहीं आप बाहर जा रहे हैं कुछ गिर जाए तो इजिली ये क्लीन हो जाती है, क्योंकि कारपेट पे। अच्छा, ये फ्लोरिंग कौन सी, इंपोर्टेड है, इंडियन है? ये इंपोर्टेड है, प्लस वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है जी। तो कई सारी ऐसी फ्लोरिंग्स आती है जो आप लोगों की वाटरप्रूफ नहीं होती है, तो ये चीजें आप लोग जब अपग्रेड करा रहे हो तो इन चीजों की तरफ आप जरूर देखो। आई गेस आप लोग यहाँ पर एक आइडिया देखने को मिल चुका है। और बेसिक अगर आप लोग गाड़ी लेके आते हैं तो सीट कवर्स का एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग रैप के अगर बारे में बात करूं, ये भी हमने किया जी, हमने किया है, और ब्लैक के साथ हमने सिल्वर की स्टिचिंग दी है, ठीक है। स्टीयरिंग कवर जनरली सबसे ज्यादा हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं तो उनका, हम जैसे इसका रेट बताते हैं, ठीक है, कि 1,000 रुपए रेट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन में होता है कि स्टीयरिंग कवर इतना महंगा क्यों है,
ये हम करते हैं OEM स्टाइल जो हमारा रैपिंग होती है। मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेरिंग में भी अगर आप लोग कवर चूज कर रहे हो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जो सीट कवर हम लगा रहे हैं क्या उसी के भी लग जाते हैं, कई सारे सीट कवर लग सकते हैं लेकिन कई सारों में ऑप्शन नहीं आता, कई सारों में ऑप्शन नहीं आता, मेनली सोफा लेमिनेशन में ऑप्शन नहीं होता क्योंकि कपड़ा मोटा होता है तो वो अंदर फंसता नहीं है। और अगर आप लोग इस तरफ से देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप लोगों का जो फिनिशिंग वर्क होता है वो होता है, और एक जो मतलब कि काफी पुराना लगा आ रहा है जो एक सिलने वाला ऑप्शन होता है 300-400 का वो भी लग जाता है लेकिन उसमें फिनिशिंग ये वाली नहीं मिलेगी आपको। करेक्ट, ये OEM फिनिशिंग है पूरी। OEM है, ठीक है, करेक्ट। और आगे की तरफ हमने कुछ किया इधर, और हमने इसके अंदर आगे डैम्पिंग की है सारे कार्स के अंदर, ठीक है, और आगे के सेट में रेफरेंस के कंपोनेंट्स डाले, ठीक है, रेफरेंस सीरीज के, उनको थोड़ा मतलब कि बीट्स की कमी लग रही थी, थोड़ा बीट्स भी मिल जाए और वोकल बढ़ जाए। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोगों के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, आराम से दरवाजा बंद कर दीजिए भैया, ठीक है। अब हम लोग रियर प्रोफाइलिंग की तरफ आप लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आप लोग स्कफ प्लेट के बारे में बात करोगे, इट्स अ सेट ऑफ 4 जो कि आप लोगों को स्कफ प्लेट में मिलता है। अगेन 70 मैट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमने फ्लोरिंग करी है। और इस वाले आप लोगों के वेरिएंट के अंदर आप लोगों को आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आर्मरेस्ट जो है वो आप चाहे तो लगा सकते हो। भी मॉडल अगर हमारे पास आता है तो हम उसमें प्रॉपर आर्मरेस्ट वाला भी सीट कवर लगा देते हैं। अच्छा, वाला भी ऑप्शन जो है वो हम लोगों को मिल जाता है। अच्छा कृष्णा, एक चीज वैसे ऑडियंस के साथ शेयर करना जरूरी है, इस वाले वेरिएंट में ये पार्शियल ट्रे आती है कि नहीं आती है? ये हमने ओरिजिनल ह्युंडई की लगाई है, ये ओरिजिनल OEM सबसे पहले अगर आप लोग रियर की तरफ में देखते हैं तो ये आप लोगों का ओरिजिनल प्लेसमेंट है जहां पर आप लोगों का बैक कैमरा इंस्टॉल हुआ है। कैसा लगता है, मैं आप लोगों को बैक करके जरूर इसमें एक ऑप्शन दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग प्लेसमेंट दोनों ऑप्शन है सर, हम यहाँ भी लगा सकते हैं OEM स्टाइल में, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं, मुझे बम्पर भी लगवाना है तो बम्पर में भी लग जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो लुक है जहां बेस्ट ज्यादा यही कि हमारा छेद ना हो, हमारे पास ऑप्शन है तो हम वही लगाएंगे ज्यादा बेस्ट। और आप लोग प्लेसमेंट देख सकते हो, हाइपरसोनिक कंपनी का जो है ये आप लोगों का लग जाता है। और अगर आप लोग पार्सल ट्रे के बारे में बात करोगे, ओरिजिनलिटी जो है वो आप लोग यहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये पार्सल ट्रे आप लोगों को जो है ये दो छोटी छोटी रिंगों के साथ मिलती है, ये आप लोगों की गाड़ी के अंदर ऑलरेडी स्पेस दिया होता है, इसको हटा के इसके अंदर इसको लगाओ और ये प्लग एंड प्ले होता है। ये रबर्स का बहुत अच्छा यूज होता है, ये आप लोगों की गाड़ी में जो है निशान किसी भी तरीके का नहीं मारते। तो और ये JBL का क्या रखा हुआ भाई? JBL का सर का जो उनके स्पीकर्स वगैरह निकले हैं, सामान निकला, हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर डाल दिया कि कस्टमर का सामान हम रखते नहीं है, हम हैंड टू हैंड उनको वापस करते हैं। चलो एक चीज और बताओ, तुम कुछ क्रोम गार्निश बता रहे थे, इसमें बड़ी सही से क्रोम गार्निश का ऑप्शन है इसमें भैया। जैसे क्रेटा के अंदर टोटल है ना, कम से कम 6,000-7,000 की रेंज में क्रोम आइटम्स आ गए हैं, मतलब पूरी गाड़ी आप चाहोगे पूरी गाड़ी में क्रोम लग जाएगा। लेकिन हम जितना यूजफुल होता है उतना क्रोम लगाते हैं, स्टार्टिंग से हम बताते हैं। जैसे कि एक तो हो गया अपना जो हमने ग्रिल का बताया है, क्रोम ग्रिल में क्रोम लग जाता है, एक ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है जी। एक कोई कोई लोगों को पसंद आता है जिनको क्रोम का शौक है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। एक हमारे हेडलाइट्स पे यहाँ पर क्रोम लग जाता है, ठीक है। एक हमारा हमने जो लगाया है इसके अंदर डोर वाइजर लगाया है क्रोम वाले, ठीक है। ये कौन से वाला है अपना? ये हमारा जो मोल्डिंग वाला है, मोल्डिंग वाला लीक कंपनी का जो लीक कंपनी का आता है। एक हमारा ये लोअर गार्निश है, ठीक है। ये इजीली होता है, अगर इस पे मिट्टी वगैरह थोड़ी जमती है तो इजीली साफ हो जाती है, ठीक है। इजीली साफ किया जाता है, इजीली क्लीन हो जाता है, ठीक है। एक इस पे हैंडल क्रोम का ऑप्शन था लेकिन कस्टमर की भी चॉइस नहीं थी और हमें भी ज्यादा सही नहीं लगा, व्हाइट कलर की गाड़ी है, ठीक है, तो क्रोम ना लगा के हमने इसको व्हाइट ही छोड़ा है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये ORVM जो है ये फोल्डेबल है? ये फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है। वैसे जो बिल्कुल बेस है उनमें उसमें फोल्डेबल नहीं आता, लेकिन उसमें भी फोल्डेबल का ऑप्शन आ गया यार। लेकिन आजकल काफी सारे लोग कह रहे हैं जो फोल्डेबल होता है उसमें वायर कटिंग होती है, ये सब होते क्या है उसमें? रिले टू रिले लगता है भैया, ये सिर्फ मिथ है। बहुत सारा अगर किसी ऐसे सीरीज में अगर हम तार काटते हैं या तार कटने वाली होती है, हम कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने रूफ रेल लगाया, ये ओरिजिनल रूफ रेल लगाया है पूरा। अगर इसका डल्लप उखाड़ के, पूरा डल्लप जो इसके अंदर होता है उसके अंदर से सेटिंग करके तब लगाया जाता है ये पूरा जो OEM वाला आता है। OEM वाला तो ये वो तो नहीं है हाई स्पीड में निकल जाए कुछ? नहीं 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 भैया, उसकी गारंटी दी है हमने कस्टमर को। चलो भाई, तो सीट कवर की नहीं, काफी चीजों की गारंटी है इसके। तो गाइज ये आप लोगों का कुछ ओवरलुक है जो आप लोगों के बैक कैमरे का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये OEM स्टाइल, एक बार इसको सर न्यूट्रल कीजिए एक बार। बिल्कुल, ये आप लोगों का न्यूट्रल होने के बाद होता है। अब इसको एक बार बैक कैमरा डालिए सर, ठीक है। तो ये आप लोगों का अडैप्टर के साथ होता है और ये प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले होगा और OEM स्टॉक स्टीरियो में आ गया है हमारा। सारे काम जो है वो आप लोगों ने गाड़ी में होते हुए देखा है। अब बात करते हैं जिनकी ये गाड़ी है उनका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो एक बार हम लोग फीडबैक ले लेते हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी हमारे साथ है सर, आप गुजरात से आए सर काम कराने के लिए? हाँ। और सर कैसा लगा, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा था सर? काम तो अच्छा था, बाकी तो जैसा लगा देखने, मतलब आपको लगा कि हाँ सही से काम हुआ। सर एक बार नाम बता दीजिए।
मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर जगदीश नाथ दिल्ली पुलिस। ठीक है सर। ये मेरा बेटा है। हाँ जी सर। और गुजरात में सर्विस करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ऑनलाइन मेरे बड़े बेटे ने यहाँ का जो नंबर दिया। ठीक है सर। और सुबह इनसे बात हुई। ठीक है सर। और उसके बाद में फिर हम हमारे को मतलब कोई परेशानी नहीं, लेकिन मार्केट से सबसे बेहतरीन लगा मेरे को ये का। बेहतरीन लगा। जो इनकी दुकान से व्यवहार भी अच्छा था इनका, और जो भी चीज़ मार्केट में जो रेट थी उससे जेन्युइन रेट थी इनकी दुकान। वेरी नाइस। तो एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। गर्वित कुमार। कैसा लगा आपको काम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, सबसे मेन चीज़ जो ऑडियंस जानना चाहती है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो लोगों को हम बताते हैं कि असलियत क्या है चीज़ों की, क्योंकि अब आपने कितने पैसे खर्च किए सर? अभी टोटल इनका बिल था 43,500। सर बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा कम तो नहीं बता रहे हैं। 43,500। तो सर इसमें क्या क्या काम किया आपने? इसमें मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक हमने रॉयल टच का सीट कवर डाला है। ठीक है। स्टेयरिंग कवर। ठीक है। नीचे पूरी फ्लोरिंग हुई है। ठीक है। आगे रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट्स डाले हैं। ठीक है। पूरी गाड़ी डैम्पिंग हुई है, दरवाजे और डिग्गी। कितने कितने पीस लगे उसमें? टोटल इसमें 10-12 सीटों के आसपास लगा है। ठीक है। एक हमने ओईएम की फॉग लाइट डाली है इसके अंदर। ठीक है। रूफ रेल्स, ओरिजिनल ट्रे। ठीक है। डोर वाइजर, लोअर गार्निश, स्कफ प्लेट, मड फ्लैप्स, और एक का दुका और आइटम लगा है। टोटल मिला के मतलब कि 43,500 का बिल सर का हुआ था। बाकी इनको हमने डिस्काउंट भी दिया था, हमारे पास जो आपके थ्रू आएंगे उनको भी हम डिस्काउंट देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सबसे पहले जो पैसे आपने स्पेंड किए वो वर्थ थे कि नहीं थे सर? मतलब लगाने इतने पैसे बढ़िया थे कि नहीं थे? बहुत बढ़िया थे। बढ़िया है। आप लोगों को बोलेंगे हाँ आप करवाइए काम? बिल्कुल, हम तो 10 जगह और बताऊँगा भाई दुकान करके। ये बहुत अच्छी बात है सर ने जो है ये बहुत अच्छी चीज बोली। और आज भाई संजय दत्त के स्टाइल में पूरे काले काले कुर्ते पहन के बैठे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है सब चीजों के बारे में जो है नॉलेज यहाँ पर मिली है। सूरज भाई जो है वो आप लोगों को जैसा हमने बताया था कि अभी कॉलिंग में जो है भाई सूरज भाई जो है ध्यान रखते हैं, और बाकी भाई जो है स्टोर देखते हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने स्टोर के बारे में बता दो कि क्या क्या चीजों में आप लोग डील करते हो, कैसे आप लोगों तक पहुंचा जा सकता है? जैसे भैया अगर आपको हमारी शॉप पे आना है, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, बस आप हमारे को एक बार कॉल कर दीजिए, टाइम ले लीजिए कि मतलब भैया जैसे कि मैं सुबह आऊँ शाम को आऊँ, या फिर अगर ज़्यादा अगर रश होगा तो मैं आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बुला लूँगा। ठीक है। बाकी 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता है सीट कवर वगैरह, अगर बेसिक एसेसरीज है, अगर ज़्यादा एसेसरीज होती है तो 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। और इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, नहीं तो काम अच्छे से एक दिन का टाइम मेरे हिसाब से आप अपनी गाड़ी को दे सकते हैं। अगर 5-6 घंटे का टाइम, अगर बेस मॉडल आप गाड़ी ला रहे हैं तो इतना तो हम कंपनी में भी जाएंगे या कोई काम हम दिक्का दुक्का कराते तो उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे पास जो टाइम ऐसे नहीं है कि आपकी गाड़ी खड़ी है काम नहीं हो रहा है, गाड़ी खड़ी रहेगी तो काम होगा, 5 से 6 घंटे तक काम चलता रहेगा। ज्यादा रश होगा तो आपको बता दूंगा कि भैया 4 घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे, लेकिन ये है काम में कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास रश है तो मैं काम में कमी कर दूंगा, हल्का काम के लिए जल्दी काम निपटा दूंगा, ऐसा नहीं है। काम प्रॉपर ओरिजिनली होगा। अच्छा एक चीज और ऑडियंस का शेयर करो, 2022 आने वाला है, क्या प्लानिंग है, क्या नए प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग चल रही है? इसमें अभी हम ओईएम जो मतलब कि कंपनी फिटेड का, जैसे टाटा की गाड़ी हो गई, महिंद्रा टाटा पंच जो आ रही है, जी टाटा पंच आ रही है, उसके हमने सारे जितना भी इसका सामान होता है जैसे कि स्किड प्लेट हो गई, डोर वाइजर्स हो गए, और स्पॉइलर हो गए, ओईएम जितना भी प्योर मॉडल में लग सकता है सारी एसेसरीज हमने मंगवा के रख ली है। ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि टाटा जो है वो थोड़ा पंच का रिस्पांस काफी अच्छा निकल गया है। पंच हो गई है, कोई भी गाड़ी ऐसी हो जैसे मारुति की हो गई, महिंद्रा की हो गई, रेनो की मैग्नाइट हो गई, निसान की मैग्नाइट हो गई, तो उसका भी हम सारा सामान लेके अपने पास रख रहे हैं। 2022 में हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा आपको अच्छा काम दिखा सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। बाकी मेन तो हमारा हम किंग है सीट कवर के, सीट कवर के लिए आप जरूर आइए हमारे पास। ठीक है। सीट कवर की रेंज से पहले अच्छा सीट कवर कोई केवल अगर क्रेटा में लगवाता है सबसे स्टार्टिंग रुपए के 5,000 रुपए, जो मैंने सर को भी दिखाया था 5,000 से 4,500 प्लस 500 है या 4,500 प्लस 500, मतलब 4,500 रुपए के सीट कवर है और 500 रुपए फिटिंग है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये क्लैरिटी लोगों को मिलनी चाहिए, बाद में आके आपको लोग बोलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है भैया, जैसे ये तो सिंगल बैक वाला मॉडल था, ठीक है, जैसे किसी का आर्मरेस्ट वाला मॉडल हुआ तो 200-300-400 रुपए आर्मरेस्ट का बढ़ जाता है, ये बताना जरूरी है, इससे नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है। और बाकी हमारे पास जो एंडिंग जो लास्ट जो सीट कवर है वो सोफा लेमिनेशन ही है, जो आपकी किया सेल्टोस में हमारी लगा हुआ है, थार में लगा हुआ है, ठीक है, वो 10,000-11,000 तक की रेंज का जाता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आई होप कि आप लोगों को जो है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से नॉलेज दिया, और अगेन हमारे साथ सर लोग भी थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि अपना फीडबैक जो है वो हमारे साथ शेयर किया। और बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है काम करवाने के लिए, आप लोग चाहते हैं आपकी गाड़ी का अच्छे से काम हो जाए, तो आप लोग आ सकते हैं कृष्णा का श्रृंगार, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। अगर आपको ना पसंद हो, आप कहीं और कराना चाहे, आप जा सकते हो, लेकिन हम लोग आपको बोलेंगे एक बार आप ट्राई कर सकते हो, प्राइसिंग के लिए बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी, बाकी एक बार आओ मटेरियल देखो सामान देखो,
अपने आप खुद डिसाइड करिए कैसा माल। ठीक है, तो अब्दुल अजीज रोड में अगर आप लोग आ रहे हैं, होटल आनंद है उसके जस्ट साइड में, आपको जस्ट साइड में दुकान है, बाकी नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए, हम आपको लोकेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। चलो भाई, हमारे कहीं से पिक भी कराना है तो कहीं से पिक भी कर। ठीक है भाई, कृष्णा भाई जो है वो आप लोगों को स्टोर में मिलेंगे, पापा मिलते हैं, कृष्णा पापा भी मिलते हैं, हमारे मोनू भाई है ये भी मिलेंगे। ठीक है, मोनू भाई भी आप लोगों के पास, अब दो मोनू हो गए, एक हमारे एक मोनू भाई है जो फिटिंग करते हैं और दूसरे मोनू भाई जो उधर देखते हैं। और सूरज भाई से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सूरज भाई कहाँ पर है, तो सूरज भाई भाई कॉलिंग करते हैं, वो अभी थोड़ा घर से ही पूरी वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, उनको भी ले आएंगे 3-4 तारीख। चलो बहुत अच्छी बात है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काम अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट, चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुसाफिर 711, फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस सेट गाइस, करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वाचिंग एंड एवर, बाय बाय कर दो, बाय कर दीजिए सर।